Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 3. Question 3 is find the value of k. k की value बतानी है so that the following system of equation has no solution. कि जो system of equation दी हुई है यानी this and this इसके कोई solution नहीं है, ये आप तब आपको k की value बतानी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है 1 मार्कर है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन a1 अपॉन में a2. a1 क्या होता है, अगर इसे मैं फर्स्ट ले लूं इसे सेकंड ले लूं तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है तो वो 3 आ गया. a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 तो वो 1/2 आ गया. b1 अपॉन में b2 ये क्या होता है, b1 अपॉन में b2 जो होता है फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट ये -1 है और सेकंड में -2 है तो ये भी 1/2 आ गया. नाउ थर्ड c1/c2 आप निकाल दीजिए तो मैं यही निकाल देता हूँ c1/c2 इक्वल टू c1 यहाँ पे कितना है -5 यानी कि लेफ्ट साइड में कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट जो है 5 है माइनस का 7 और लेफ्ट साइड उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइनस का k है दिस कांस्टेंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5/k आएगा. अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी थी तो फॉर नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 ये होता है. सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या था 5/k. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/k ये मैं रख देता हूँ एंड देन यहाँ से क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे k इज नॉट इक्वल टू 10 तो k क्या होगा 10 नहीं होगा. इसके अलावा बाकी वैल्यूज पे जो है यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं आएगी तो k इज नॉट इक्वल टू 10 ये हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे.